हाँ जी बच्चों, आज मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है असाइनमेंट्स वगैरह ऑनलाइन जब सबमिट करवानी होती हैं। आप पीडीएफ में अपना डाटा जो है वो सेंड करते हैं लेकिन पीडीएफ बनानी नहीं आती। तो पीडीएफ बनाने के लिए हम जो है सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर मौजूद है, ठीक है। हम प्ले स्टोर पर गए और यहाँ सर्च में हमने यहाँ पर लिखना है पीडीएफ मेकर, ठीक है। ये हमने पीडीएफ मेकर फ्रॉम पिक्चर्स कर लें या फ्रॉम पिक्चर ना भी करें, जिस तरह से भी पीडीएफ मेकर करेंगे तो हमारे पास पीडीएफ मेकर, ये मैंने ले लिया, ठीक है। और मैं इसको अपने मोबाइल में कर लूँगी इंस्टॉल, ठीक है। अब यह थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा। जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आएगा, यह इंस्टॉलेशन हो गई। अभी ओपन लिखा हुआ आया, मैंने इस ओपन के बटन को क्लिक किया, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल में अब पीडीएफ मेकर जो है वो ऑन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इसे अलाउ करना है नहीं करना, तो मैं इसे अलाउ कर दूँगी क्योंकि मैंने पीडीएफ बनानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली पिक्चर्स खींच लें, ठीक है। तो उससे पीडीएफ बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। पिक्चर्स पहले आपने अपने कैमरा से पिक्चर्स ले ली, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रही है फ़ोटो टू पीडीएफ, ठीक है। ये वर्ड टू पीडीएफ के वर्ड फाइल कोई अगर आपके पास आई है तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेब की कोई फाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये पीडीएफ बेसिकली मेकिंग के लिए है, ठीक है। अब हमने पिक्चर्स से जो है वो पीडीएफ बनानी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, ठीक है। आई विल सेलेक्ट इमेजेस, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं, आप लोगों की कुछ असाइनमेंट्स थी मेरे पास आई हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने लाइक फर्स्ट 5 पिक्चर्स हैं वो मेरी मैंने अपने कैमरा से ली हुई हैं, ठीक है। और मैं उनको सेलेक्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप सेलेक्ट पिक्चर्स लेंगे तो वो ऑल अबव ऊपर आ जाएंगी ना, तो यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर्स को जो मैंने ली हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। फर्स्ट 5 पिक्चर्स जितनी भी आपकी हैं, 10 है, 15 है, जितनी भी आपकी पिक्चर्स हैं, आपने उनको सिलेक्ट किया और ये टिक का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है, ओके। ये आपकी पीडीएफ जो है वो बन चुकी है, ठीक। अब आपने क्या करना है कि अपनी पीडीएफ की पिक्चर्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, आप अपनी पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये ऊपर क्रॉप का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो मैं इसे करूँगी क्रॉप, ठीक है। सेकंड पिक्चर आपको उसके हिसाब से देखनी है, ठीक है। ये आपकी सेकंड पिक्चर है, अब मैंने इसे किया क्रॉप। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर, जैसी भी जितनी भी आपकी वो इमेज होगी आप उसी हिसाब से उसको पेज को अपने एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपका पेज देखें, ये पेज एडजस्ट करने वाला है, ये मैंने पेज को एडजस्ट किया, ठीक है, ये थर्ड पेज हो गया। फोर्थ पेज, इसको मैंने क्रॉप किया, दैट इज़ आल्सो क्रॉप्ड। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर पिक्चर। अब ये पिक्चर कुछ ऐसी होती हैं कि आपकी जो है वो टर्नड पिक्चर्स ली जाती हैं, तो आपके पास क्रॉप के साथ ही यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये रोटेट का है, तो मैं इस रोटेट के बटन को क्लिक करूँगी तो ये आपकी पिक्चर जो है वो ऑटो रोटेट हो जाएगी, ठीक है। अब आप करेंगे इसे क्रॉप, ये आपकी जो है वो इमेजेस रेडी हो गई हैं, ठीक है, थीके? आपकी पिक्चर्स जो हैं वो बन गई हैं। अब आप इसे करेंगे लास्ट में, यहाँ पर है दिया हुआ पीडीएफ मेकर, मेकअप पीडीएफ। आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है, लाइक इट्स योर कंप्यूटर असाइनमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर असाइनमेंट, आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप अपना नाम दें, जैसे आमना है, आमना अंजुम, और जो भी क्लास है आपकी 7th है, 8th है, वो क्लास लिखी आपने, और फिर कंप्यूटर असाइनमेंट करके आपने जितना जैसे भी नाम देना है आप इसको देकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। कंप्यूटर असाइनमेंट, ओके, ये आपकी अब ये फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। नाउ ओपन इन पीडीएफ।
आप शेयर करेंगे करना चाहेंगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और ओपन करना चाहेंगे तो आप इसको ओपन भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी, ये मैंने यही इमेजेस रखी थी, 1, 2, 3, 4, 5 पेजेस की आपकी ये PDF रेडी हो गई है। ओके ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।